13 दिन से चट्टानों के बीच फंसी 41 जिंदगियों का हौसला किसी पहाड़ से कम नहीं है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे श्रमवीरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान तेजी से चल रहा है। सबसे पहले आपको टनल रेस्क्यू से जुड़ी चार बड़ी खबरें बता देते हैं। पहली खबर, 12 नवंबर से सुरंग में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू अभियान जारी है। दूसरी खबर, ऑगर मशीन में खराबी आ रही है और रहकर इस खराबी को दूर कर फिर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। तीसरी खबर, उम्मीद जताई जा रही है कि ये रेस्क्यू अभियान का अब अंतिम चरण है। और चौथी खबर की अगर हम बात करें तो अगले कुछ ही घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं और आज शाम तक, हालांकि ये उम्मीद पिछले 48 घंटों से हम कर रहे हैं कि अब शायद ये ऑपरेशन खत्म होगा और मजदूर बाहर निकलेंगे, लेकिन आज शाम तक ऐसा लग रहा है कि अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा क्योंकि बहुत ही कम दूरी अब बची हुई है जिसमें ये ड्रिलिंग की जानी है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से रेस्क्यू को लेकर आज भी अपडेट लिया है। सीएम धामी ने बताया कि पीएम लगातार इस पूरे रेस्क्यू अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि रेस्क्यू अभियान अपने अंतिम चरण में है। उधर उत्तराखंड सरकार के सचिव नीरज खैरवाल और NHIDCL के MD महमूद अहमद ने भी जानकारी दी कि कल रात ड्रिलिंग के दौरान आई रुकावट को दूर कर लिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब आगे कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है और आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयां उनके सामने आ सकती हैं उन सब के बारे में जानकारी लेकर, उसके निदान को लेकर और सुरक्षित रूप से उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उस सारी जानकारियाँ प्रत्येक दिन लेते हैं। हम जब अपनी पाइप को हम आगे पुश कर रहे थे तो ये लैटिस गर्डर रिप जो था वो पाइप के रास्ते पे हमें मिला और इस वजह से पाइप और आगे हम पुश नहीं कर पाए। मशीन को हमारा रोकना पड़ा, जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन है हमारा, और क्योंकि पाइप के अंदर ही होता है ऑगर ड्रिलिंग मशीन तो हमें फिजिकली मैनुअली जाके चेक करना होता है, पूरे तरह से पाइप को रोकना पड़ा। ऑगर ड्रिलिंग मशीन बिट बाय बिट 8 उसके पीसेस हमने निकाले। हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी कोई कहीं से सजेशन आता है, कहीं पॉसिबल अवेलेबल है, वो कहीं पर भी है देश के अंदर, उन सभी टेक्नोलॉजीज का इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए अब आपको उस ऑगर मशीन की तस्वीरें दिखा देते हैं जो इस पूरे रेस्क्यू में बेहद अहम भूमिका निभा रही है। दरअसल आज देर रात मशीन का प्लेटफॉर्म अस्थिर हो गया था और उसी वजह से रेस्क्यू में थोड़ी मुश्किलें जरूर आईं। वहीं अब इसे पूरी तरह से ठीक कर लिया गया है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को फिर से एक बार आगे बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए आपको अब 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। एक तरफ मजदूरों को खाने पीने की चीजें इन बॉटल्स में भर कर दी जा रही हैं तो दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन ने भी अब रफ्तार पकड़ी है। बताया जा रहा है कि आज शाम तक सभी मजदूरों को निकाला जा सकता है। वहीं दूसरी ओर मजदूरों को सकुशल निकालने के लिए महाकाल मंदिर में भस्म आरती भी की गई। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू तेजी से जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। आज NDRF की टीम ने मजदूरों के रेस्क्यू का अभ्यास भी किया है। सुरंग से इसी तरह मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए स्ट्रेचर में व्हील लगाए गए हैं और रस्सी से बांधकर उसे खींचा जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए इस तरीके से कैसे तेजी से मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। जी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह मेरे साथ ताजा तस्वीरों और ताजा अपडेट के साथ जुड़ रही हैं। अंजलि, अपडेट बताइए क्योंकि पिछले 48 घंटों से हर घंटे ये लगता है कि बस अब मजदूर बाहर निकलने वाले हैं, अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, ड्रिलिंग का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी रुकावट आ जाती है कि ये डिले हो जाता है। हालांकि हर रुकावट अब दूर की जा रही है, अब ताजा अपडेट क्या है? जी देखिए, बिल्कुल हर रुकावट दूर की जा रही है और चूंकि ये टेक्निकल दिक्कतें हैं जिनके चलते कई बार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें बाधा आती है, लेकिन लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और आपको हम टनल की तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां अभी थोड़ी देर पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, वो अभी अभी यहाँ से रवाना हुए हैं। जनरल VK सिंह यहाँ पर पहुंचे थे तो लगातार सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम ही नहीं बल्कि
केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जहां तक बात करें अभी तक की प्रगति की, तो देखिए कल 46.8 मीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर कर ली गई थी, जिसमें ये बताया गया कि फिर एक बार फिर से एक पाइप लोहे का जो सामने आया था उसके चलते ऑगर मशीन का ऑपरेशन जो है उसको रोकना पड़ा था। और ऐसे में अब आप देखेंगे कि जो प्लेटफॉर्म डिस्टेबलाइज हो गया था ऑगर मशीन का, उसको भी स्टेबलाइज कर लिया गया है। और ये कहा गया है कि बस थोड़ी ही देर में अंदर, आप तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चहलकदमी आप देखेंगे, NDRF SDRF की टीम है वहाँ पर और तमाम जो लोग इस पूरे काम में लगे हुए हैं, ऑगर मशीन चलाने वाली टीम जो लगी हुई है। अभी वेल्डिंग का काम किया जा रहा है, यानी दो पाइप को वेल्ड करने में भी काफ़ी समय लगता है, 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है। तो ये बताया गया है कि जब ये वेल्डिंग का काम पूरा हो जाएगा उसके ठीक बाद ड्रिलिंग का काम शुरू किया जाएगा। और एक गुड न्यूज़ ये भी है कि यहाँ पर जो पेनिट्रेशन रडार की के इस्तेमाल से जो जानकारी दी गई, तो में अगले 5.4 मीटर तक कोई मेटल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, यानी कोई मेटालिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इट मींस कि जो ऑगर मशीन है वो अच्छे से काम कर पाएगी। यानी आप ये समझिए कि तकरीबन 12 मीटर बाकी है और उसमें से 5.4 मीटर अगर ईजली डिग हो जाता है तो एक बड़ी सफलता भी उसको कहेंगे। हालांकि दो पाइप अभी और डालने हैं, ऐसा जो यहाँ पर अधिकारी हैं उन्होंने जानकारी दी है। तो एक पाइप और हो जाता है तो माना जाता है कि तकरीबन आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर मलबा आगे की तरफ धीरे धीरे गिर रहा होगा, तो वो सॉफ्ट होगा ऐसा मानकर चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो बात ज़रूर है कि इसको आप पहले से असेस नहीं कर सकते कि मलबे के अंदर कोई और व्यवधान ना आए, लेकिन कोशिश पूरी है। रेस्क्यू टीम दिन रात लगातार लगी हुई है 41 लोगों को टनल से बाहर निकालने में। और सबसे राहत की बात ये भी है कि जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है, उनका हेल्थ अपडेट लिया जा रहा है, उनके परिवार वालों से उनकी बात कराई जा रही है ताकि मोराल जो है वो बूस्ट अप रहे, उन मजदूरों का भी, उनके परिवार वालों का भी, कोई निराशा ना हो। तो जो मूवमेंट है पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से हमने देखा, अंजलि अंजलि बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब आपने ये अच्छी खबर दी है हमारे जी न्यूज़ के दर्शकों को कि अब जो 12 मीटर की ड्रिलिंग है उसमें 5.4 मीटर ऐसा है जिसमें लग रहा है कि आसानी से पाइप अंदर ड्रिल किया जा सकता है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने वहीं पर अपना सचिवालय बना लिया है अंजलि, और अब वो पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी में ही अपना कैंप कार्यालय बना लिया है, वहाँ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद वो 2 दिन से यहाँ पर आकर लगातार अपडेट ले रहे हैं, टनल साइट का मुआयना कर रहे हैं और उन्होंने अंदर फंसे मजदूरों से भी बात की है, उनका हौसला बढ़ाया है, उनको कहा है कि आप घबराइए नहीं, जल्द से जल्द आप बाहर आ जाएंगे और उनसे उनका हालचाल भी जाना है। तो देखिए जब इस तरह की गतिविधि होती है तो सिर्फ उन लोगों को नहीं जो अंदर फंसे हुए हैं, न सिर्फ उनको हौसला मिलता है बल्कि जो यहाँ पे परिवार के लोग इकट्ठा हैं पिछले कई दिनों से उनसे जब हम बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि उनको लग रहा है कि एक उम्मीद जग रही है कि अब पूरी तरह से प्रशासन जो है इसमें जुटा हुआ है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सब यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं और PMO के ऑफिशियल्स भी जो है वो लगातार इसकी जानकारी जो है अपडेट्स यहाँ से ले रहे हैं, लगातार इसकी जानकारी हमसे भी साझा की जा रही है। तो बस इंतजार इस बात का है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंजाम तक पहुंच जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, आप नजर बना के रखिए, हर दिन हम इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आज शाम तक जरूर वो तस्वीरें हमें मिलेंगी जब मजदूर बाहर निकलने लगेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निकल दिक्कत आ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद जब तक जिंदा है तब तक दुनिया कायम है और आज हम जरूर उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमें वो खूबसूरत तस्वीरें जरूर दिखाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका अंजलि। Z News.